वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ इंडिया का टॉप बेस्ट कोलगेट का रिव्यू, जो कि है डाबर रेड टूथपेस्ट। और मैंने इसे बहुत लंबे समय से यूज़ किया है और आज मैंने सोचा कि इसकी एक रिव्यू बना दूँ। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि डाबर रेड टूथपेस्ट हमें दावा देता है कि ये टोटली हर्बल टूथपेस्ट है, जो इसका ग्रीन सिग्नल बताता है। ये टोटली हर्बल चीज़ कंटेन करता है और कीप द डेंटल प्रॉब्लम्स अवे। ये टोटली हर्बल है, डेंटल प्रॉब्लम्स को अवे करता है। ये आपको कहीं भी अवेलेबल होगा। मैंने तो इसे अपने पास के जनरल स्टोर से ख़रीदा है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन, ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी ख़रीद सकते हो। ये टोटली हर्बल है और मैं आपको इसके डायरेक्शन दिखा सकती हूँ। आपको इसे, आपको देखिए वो, आप यहाँ पे आपको मिलेगा ये। आपको इसे 2 to 3 2 to 3 ग्राम्स लेना है। और मतलब कि अपने टूथपेस्ट में मान के चलो कि इसको आपको अपने ब्रश में टोटली लगाना है, उसके बाद लेंथ के हिसाब से। उसके बाद इसे आपको अपने दांतों में जेंटली ब्लेंड करना है, जो कि आपको टूथ एक मतलब कि दांतों के दर्द से और रिड्यूस फ्रॉम द जम्स देगा। इसके ऐसे इफेक्ट होंगे। ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। ये बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स होता है। इसका कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो कॉस्ट है वो इसमें दिया हुआ है, पता नहीं इसमें दिया हुआ है कि नहीं, पर ये 2 ईयर्स के लिए है। और इसका कॉस्ट ₹50 है, जो कि हमें बहुत ही अच्छे वाजिब दाम में मिल रहा है। मीन्स ऐसा है कि आप, हम कोई भी इसे ख़रीद सकते हैं। मीन्स हम मिडिल क्लास वाले भी इसे ख़रीद सकते हैं। मेरा कहने का डायरेक्ट मतलब ये है, नॉट सो कॉस्टली, ठीक है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई लव इट्स टेस्ट। मैं आपको इसके अंदर की रिव्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप जब इसे देखोगे, इसका जो अंदर का कंटेंट है, मतलब कि इसके जो अंदर की से जो आपको फ्रेग्रेंट आएगी, वो डायरेक्टली लौंग, इलायची वगैरह की आएगी, जो बड़े चीनी होती है वो सब की। इसका मतलब ये है कि मतलब आपको इसमें पता चलेगा कि ये कितना नेचुरल है। इसमें एग्जैक्टली आपको वही सब आएगा जब आप ब्रश करोगे तब। आपको ये पतंजलि के जैसा एकदम हार्ड हार्ड स्मेल नहीं दे देगा, मतलब कि माउथ में ये आपको सॉफ्ट जेंटल स्मेल देगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, पतंजलि से ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। ये पतंजलि से ज़्यादा ओल्ड है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं, मैंने इसे बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। और मैं यही कहूँगी कि आप भी इसे यूज़ करें, ट्राई करें, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपने जब इसे यूज़ किया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये टूथपेस्ट यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइए, आपको इससे भी अच्छा कोई टूथपेस्ट लगता है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। मैं आपको उसके लिए भी रिव्यू बताऊँगी। एंड अगर आपको नहीं लगता तब भी मुझे बताइए। एंड चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।